आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये हमसे पूछा गया है ना? और विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं अ, ब, स, और ये दिया गया है द, है ना? तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसमें सबसे पहले या संवैधानिक निकायों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक है, ये हमारा एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है? अच्छा, राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक जो है, ये भी हमारा संवैधानिक निकाय है, ठीक है? बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी हमारा संवैधानिक निकाय है। परंतु जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो इसीलिए जवाब जो हो जाएगा हमारा, वो द सही हो जाएगा। अगर हम लोग भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके बारे में बात करते हैं, है ना, तो यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। कैसी है बेटा ये स्वायत्त, है ना, स्वायत्त विधिक संस्था है ना, विधिक संस्था है ना। और बाकी सब कैसे है, संवैधानिक निकाय है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं, संवैधानिक निकाय है, ठीक है? ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जो इसकी स्थापना है बेटा, स्थापना 12 अक्टूबर है ना 1993 में करी गई थी स्थापना, ठीक है? ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में इसका मानवाधिकार संरक्षण नियम जो है बेटा, वो 1993 के तहत की गई थी, और इस आयोग में देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक भी है। तो जो हमारा सही जवाब है बेटा, वो हो जाएगा हमारा द। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।